हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इज लर्निंग। दिस इज मोनिका एंड इन टुडेज 1 मिनट कंसेप्ट सीरीज आई विल डिस्कस अबाउट टाइप 1 एरर एंड टाइप 2 एरर। ये आपका रिसर्च का टॉपिक है और बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, स्टूडेंट्स को बहुत कंफ्यूजन होती है कि क्या है ये दोनों टॉपिक। देखिए, हम बनाते हैं रिसर्च करते वक्त हाइपोथेसिस। मैंने आपको समझाया था कि अजम्पशंस होती हैं, टेंटेटिव सॉल्यूशन होता है किसी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम का, रिसर्च की जाती है किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए, तो उसके लिए हम हाइपोथेसिस बनाते हैं, कुछ अजम्पशंस बेस पे काम करते हैं। तो अब उन हाइपोथेसिस में जब टेस्टिंग की जाती है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग के वक्त एरर होगा, ऑब्वियसली कुछ ना कुछ एरर गलतियां होंगी। तो उनमें 2 टाइप के एरर होते हैं, आपके टाइप 1 एरर एंड टाइप 2 एरर। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, सिर्फ और सिर्फ नल हाइपोथेसिस को ही टेस्ट किया जाता है। नल हाइपोथेसिस क्या है? अब 2 टाइप के हाइपोथेसिस होते हैं, नल हाइपोथेसिस एंड ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस जो आपके अजम्पशन होती है कि जो भी आपने अजम्पशन अज्यूम की है, देन वी विल गो फॉर दी ऑल्टरनेटिव। एक क्लास में नल हाइपोथेसिस का भी आपको मैं एक्सप्लेन करूंगी, अदरवाइज वीडियो लेक्चर जो है, डिटेल वीडियो लेक्चर वो अवेलेबल है। अब इन 2 टाइप के हाइपोथेसिस में, नल हाइपोथेसिस और ऑल्टरनेट, टेस्टिंग हो रही है आपकी हाइपोथेसिस की और सिर्फ नल हाइपोथेसिस को ही टेस्ट किया जाएगा। अब टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर, जिसमें एक कन्फ्यूजन रहती है, जब आपका हाइपोथेसिस ट्रू है, ध्यान से समझेंगे, जब आपका हाइपोथेसिस ट्रू है बट आपने उसे रिजेक्ट कर दिया, तो आपने टाइप 1 एरर कमिट किया। और जब आपका नल हाइपोथेसिस फॉल्स है, आपकी अजम्पशन जो थी वो फॉल्स थी बट आपने उसे एक्सेप्ट कर लिया, तो आपने टाइप 2 एरर कमिट किया। ठीक है, जब आपने जो भी अजम्पशन बनाई थी वो आपकी नल और ऑल्टरनेट जो 2 टाइप के हमने हाइपोथेसिस किए, जब आपकी आपने अजम्पशन बनाई, आपने नल हाइपोथेसिस को टेस्ट किया और वो ट्रू था बट आपने उसे रिजेक्ट कर दिया, ट्रू था तो एक्सेप्ट होना चाहिए था बट आपने उसे रिजेक्ट कर दिया, तो आपने टाइप 1 एरर कमिट किया। और जब आपकी अजम्पशन फॉल्स थी, आपने गलत अजम्पशन पे काम किया बट आपने उसे एक्सेप्ट कर लिया, तो आपने टाइप 2 एरर कमिट किया। अब इन दोनों में से सबसे डेंजरस एरर कौन सा है, टाइप 1 और टाइप 2? इन दोनों में से सबसे डेंजरस एरर है टाइप 2 एरर। आपने फॉल्स अजम्पशन को एक्सेप्ट किया है, आपकी अजम्पशन सही नहीं थी बट आपने उसे एक्सेप्ट कर दिया। एक्सेप्ट करने का मतलब है एप्लीकेबिलिटी करेंगे आप, तो ये आपका ज़्यादा डेंजरस है। ठीक है, फॉल्स चीज़ आपकी ट्रू थी, आपने एक्सेप्ट नहीं किया, ओके, लेकिन फॉल्स को एक्सेप्ट करना आपका ज़्यादा डेंजरस है। तो टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर, स्टार्ट करेंगे ट्रू से। ट्रू है बट रिजेक्ट कर दिया, फॉल्स है बट एक्सेप्ट कर दिया, तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। आई होप आपको टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर विद इन 1 मिनट क्लियर हुआ होगा। अगर आपको 1 मिनट कंसेप्ट सीरीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।